हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप सभी को श्री अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सबकी गोद हमेशा से भरे रखे और जितने भी बच्चे हैं उनकी खूब लंबी उम्र करे, सभी बिल्कुल अच्छे से तंदुरुस्त रहें, कामयाब हों, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और कभी किसी को कोई डिसअपॉइंटमेंट ना कराएं। फिलहाल सुबह का टाइम है और यहाँ पे नहा धो के हम पूजा कर रहे हैं, मैं और अद्वी। कहानी पढ़ी जाती है लाइक नॉट इट्स अर्ली मॉर्निंग, 12 बजे के बाद, वही दोपहर के बाद ही पूजा की जाती है। जिस तरह से करवा चौथ की होती है उसी तरह से होती है, यहाँ पे होई अष्टमी जो है उनका कैलेंडर लगाया जाता है। तो मैं और अद्वी दोनों बैठ गए हैं और हस्बैंड भी साथ ही बैठ गए थे। और इस फास्ट को ऐसा नहीं कि सिर्फ माँ ही करती है, इस फास्ट को फादर भी कर सकते हैं। तो पेरेंट्स के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है, तो कोई भी रख सकता है फास्ट। और यहाँ पर है मेरी छोटी सी प्यारी सी अद्वी जो तैयार हुई है, अपनी बैंगल्स दिखा रही है। एंड यू नो शी नोटिस कि मैं किस तरह से वीडियो में दिखाती हूँ, तो उसने उसी तरीके से अपनी बैंगल्स दिखाई हैं, ड्रेस दिखा रही है। मैंने कहा था कि लहंगा पहन लो, बट पता नहीं उसने नहीं पहना, उसको यही पहनना था। एंड शी इज़ शोइंग हर ईयर रिंग्स, ये क्लिप ऑन ईयर रिंग्स हैं उसके, क्योंकि उसकी भी ईयर पियर्सिंग नहीं हुई है। कितनी बार अपॉइंटमेंट लिया बट नहीं हो पाया। और यहाँ पर हम दोनों जो है, एक्चुअली यहाँ पर मैं इनसे बोल रही थी कि हमारा एक दो फोटो ले लो, बट इन्होंने वीडियो ही बना दी, तो आई वॉज लाइक के चलो इंक्लूड कर ही देते हैं। तो इट वॉज सच ए गुड मोमेंट। और यहाँ पर अद्वी जो है पता नहीं क्या क्या बातें कर रही है। तो फोटो हमारे एक दो अच्छे आए हैं। और ये है मेरी आज की ड्रेस। और उस दिन जो है वो सर में हल्का हल्का सा दर्द था, बट जब मैं तैयार हुई ना उसके बाद आई फील लाइक ये कलर इतना अच्छे से पॉप होके आता है ना, बहुत सुंदर लगता है। एंड यू नो हल्दी के लिए या मेहंदी के लिए दिस इज़ बेस्ट ऑप्शन। तो दिस इज़ माय ड्रेस। और जो मेरी ज्वेलरी है वो SPB इमिटेशन की है, मैं उनका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेक कर लेना। इसके बाद फिर दोपहर का मैंने इन लोगों के लिए लंच भी बनाया, देन फिर घर पे बात होती है और 2-2.5 घंटे तो बात करने में ही निकल जाते हैं फेस्टिवल वाले दिन, तो बीच का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और अब मैं आई हूँ शाम के टाइम किचन में और यहाँ पर अब मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ, लाइक जो पूजा के टाइम पर खाना बनेगा। अगेन होई अष्टमी का जो बायना निकलता है जो आप अपने बड़ों को देते हैं, मैं सूखा ही निकालती हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कोई बड़ा है नहीं कि मैं उनको खाना पूज के दूंगी। तो मैं सुबह ही पूजा के टाइम पर सूखा निकाल देती हूँ, तो इस टाइम पर हम आराम से प्याज व्याज यूज़ कर लेते हैं। और होई अष्टमी के दिन का जो फास्ट होता है उसमें आप किसी भी तरह का नाइफ, कोई भी ब्लेड, कोई भी शार्प चीज़ आप यूज़ नहीं करते हैं। तो मैंने चीज़ें जो हैं वो पहले दिन ही करके रख ली थी, लाइक मैंने प्योरे पहले बना के रख ली थी, प्याज भी काट के रख ली थी, तो थोड़ी सी प्रीप्रेप जो है होई अष्टमी के लिए करके रखनी पड़ती है। तो यहाँ पर हैं ये भीगे हुए छोले, ओवरनाइट सोक कर दिए थे मैंने, वॉश करके प्रेशर कुकर में डाले हैं। और इस छोटी सी जाली में मैंने सूखे आंवले, ड्राई आंवला जो होता है वो डाला है, इससे बहुत अच्छा खट्टापन आता है और साथ ही छोले के ऊपर ब्लैक कलर भी आ सकता है। और होई अष्टमी का हमारा एक फिक्स मेन्यू होता है छोले भटूरे, तो आज हम छोले भटूरे बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है, देन आपको छोले उबाल लेने हैं। तो मैं यहाँ पे 10 मिनट का प्रेशर देने वाली हूँ और आप जो है वो एक सीटी लगवा के 10 मिनट सिम पे कर लें और फिर एक सीटी लगवा के बंद कर दें, छोले अच्छे से उबल जाएंगे। भटूरे के लिए आज मैं यहाँ पे सेल्फ राइसिंग फ्लावर यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर लाइक ये मैदा ही होता है लेकिन इसके अंदर बेकिंग सोडा जो होता है या मीठा सोडा, खाने का सोडा, वो मिला हुआ आता है, तो इसमें आपको अलग से कुछ नहीं डालना पड़ता। लेकिन अगर आप मैदा ले रहे हैं तो वही 2-2.5 कप के करीब मैदा लें और उसमें डाल दें लाइक 1/4 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा और दही डाल के आप उसको नीड कर लें। मेरे पास दही कम थी, ज़्यादा नहीं थी, तो लगभग 1/2 कप के करीब होगी। तो जितनी दही थी पहले मैंने वो डाली और फिर बाकी पानी डाल के मैंने इसका सॉफ्ट आटा बना लिया है। भटूरे का जो आटा होता है वो आपको सख्त नहीं बनाना है, सॉफ्ट बनाना है और उसको बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है, बस आपको बाइंड करना है, नहीं तो आपके भटूरे जो हैं वो स्पॉन्जी नहीं बनेंगे। तो पहले जो दही थी वो मैंने क्रम्बल कर ली है। अच्छा, मैं इसमें आज सूजी वगैरह कुछ नहीं डाल रही हूँ, कभी कभी मैं
इसमें आधा कप के करीब सूजी भी डाल लेती हूँ, उससे भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज जो है इस चैनल पे शेयर करती हूँ। तो आज की बिल्कुल सिंपल सी है। तो डो हमारा यहाँ पे तैयार हो गया और मैंने डो में जो है वो ऑयल भी नहीं डाला है। ओके, अब मूव करते हैं मीठे की तरफ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, जो कि डिफरेंट स्टाइल में बनेगा। हमारे यहाँ देवबंद में हलवा पराठा मिलता है जब देवी का मेला लगता है उस टाइम पर। तो इसमें बनाने के लिए क्या है कि ये जो सूजी है ना, इसको आपको भिगो के रखना पड़ता है। तो मैंने लगभग आधे कप के करीब यहाँ पे सूजी ली है, जिसको मैंने आधे कप पानी में ही भिगो के रख दिया था। तो इस तरह से इसका थिक सा पेस्ट हो गया और लगभग 2 घंटे के करीब आपको सूजी को भिगोना है। फाइन ले सकते हैं आप, जैसी मर्जी वैसी सूजी आप ले सकते हैं, कोर्स ले लें, कोई ऐसा वो नहीं है। बस इस तरह से थिक हो जानी चाहिए और अच्छे से फूल जानी चाहिए। और घी जो है वो भी आपको बराबर का लेना है, लाइक वो भी आपको आधा कप ही लेना है। घी डालने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर घी कम होगा तो फिर आप इस सूजी को भून नहीं पाएंगे। इसके बाद मीडियम हीट पर चलाते हुए लगातार आपको इसको भूनना है, और तब तक भूनना है जब तक ये अच्छे से बाउंसी ना हो जाए। इस सूजी का कलर चेंज नहीं होता है, जैसे अगर आप ड्राई सूजी रोस्ट करके बनाते हैं ना, तो उसमें सूजी का रंग चेंज होने लगता है, इसमें चेंज नहीं होगा। बस मीडियम हीट पर आपको लगातार चलाना है। मेहनत लगती है, टाइम लगता है, 10 मिनट लग जाते हैं भूनने में, और उसके बाद आप देखेंगे कि घी जो है वो किनारे से अलग होने लगता है और बहुत ही रोस्टेड सी एक महक आने लगती है, और ये लाइट हो जाती है चलाते हुए। आपका हाथ फिर दर्द नहीं करता है, ये बहुत लाइट हो जाती है, जाली सी पड़ने लगती है इसके अंदर। तो इस तरह से आपको अंदाजा होगा, तब आप यहाँ देखेंगे कि बिल्कुल अच्छे से ये भुन चुकी है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर। तो शुगर भी मैं यहाँ पे आधा कप के करीब ही यूज़ कर रही हूँ। आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं, एंटायरली अप टू यू, लेकिन ये परफेक्ट मेजरमेंट रहता है। इसके बाद आपको एकदम से पानी नहीं डालना है, पहले इस शुगर को मेल्ट करना है। जब वो मेल्ट हो जाएगी, इसके बाद फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर शुगर जो है वो मेल्ट हो गई है, और पूरे प्रोसेस में आपको जो हीट है वो मीडियम रखनी है, एक बार भी आपको हाई नहीं करनी है, नहीं तो सारा मजा खराब हो जाएगा। और इस वाले हलवे का जो टेस्ट है वो नॉर्मल हलवे से बहुत बहुत अलग है, और ये बहुत बेहतरीन बनता है। मेहनत वाला है लेकिन बहुत टेस्टी बनता है, ट्राई ज़रूर करना इस रेसिपी को। तो यहाँ पर शुगर मेल्ट हो गई है, उसके झाग से आने लगे हैं, इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी इसमें जो है वो 1.5 से 2 कप के करीब जाएगा, वो डिपेंड करता है कि आपकी सूजी फाइन थी या कोर्स थी, वो कितना पानी एब्जॉर्ब करती है। तो पहले जो है वो आप 1.5 कप डालें, 1.5 कप तो जाएगा ही जाएगा। उसके बाद फिर अगर आपको लगे कि हलवा थिक हो रहा है तो आप आधा कप और डाल दें, इसमें दूध वगैरह कुछ भी नहीं डलेगा। फाइनल स्टेज पे थोड़ा सा जायफल का पाउडर, नटमेग पाउडर, वो डाला है, और थोड़ा सा मैंने डाला है इलायची का पाउडर। तो ये सारी चीज़ डाल के मिक्स कर देंगे और फिर हम इसको कवर करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए, सूजी जो है वो अच्छे से पानी एब्जॉर्ब कर लेगी। एंड नाउ इट इज़ कम्प्लीटली डन। थोड़ा सा रनी ही रहता है, इस पॉइंट पर आपको लगेगा कि रनी है, लेकिन जब आप गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको रख देंगे, तो ये थिक सा हो जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा थिक चाहते हैं तो आप इससे ज़्यादा भी इसको पका सकते हैं। मैं इसको इतना ही रख रही हूँ, और हो ये अष्टमी है, क्योंकि नाइफ वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, तो मैं कोई ड्राई फ्रूट भी ऊपर नहीं डाल रही हूँ, मैं इसको ऐसे ही प्लेन छोड़ रही हूँ। तो हलवा हमारा डन हो गया है। इधर जो हमारे छोले हैं वो भी उबल गए हैं, और बस अब मैं इसमें तड़का लगा दूंगी। तो देखिए कितना सुंदर रंग आया है, और बिल्कुल अच्छे से ये बॉयल हो चुके हैं। तो ये जाली अब मैं निकाल दूंगी, और कुछ लोग पूछते हैं कि कहाँ से ली है, तो ये मैंने आइकिया से ली है, 1 पाउंड की मिलती है, और आई थिंक सारे आइकिया में अवेलेबल होगी। ये बहुत अच्छी रहती है खड़े मसालों के लिए ना, बिल्कुल सही रहती है। तो अब तड़के के लिए मैंने यहाँ पे पैन चढ़ाया है, और उसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा ऑयल, और इसके बाद नॉर्मल जैसे मसाले डालते हैं बिल्कुल उसी तरीके से 1 चम्मच जीरा डाल दूंगी। और जैसे ही जीरा भुनेगा, उसके बाद फिर मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर 1 बिग साइज की प्याज है, और 3-4 हरी मिर्ची है जो मैंने लंबी करके डाली हुई है। आप चाहे तो अदरक भी डाल सकते हैं, मेरे पास था नहीं एक्चुअली अदरक लंबा लंबा कटा हुआ, तो इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। तो ये चीज़ें डाल के आपको प्याज को भून लेना है, फिर नॉर्मल मसाले जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, वो आपको डाल देना है, और हल्का सा सौटे करना है। इसके बाद टमाटर की जो प्योरे है आप वो ऐड कर दें। तो यहाँ पर 3 टमाटर हैं, वो मैंने ब्लेंडर जार में करके रात ही रख लिए थे। हालांकि इस तरह से रखा हुआ नहीं करना चाहिए यूज, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं होता, ना मैं यूज कर सकती हूँ नाइफ वगैरह, ना हस्बैंड यूज कर सकते हैं, तो
कोई और ऑप्शन बचता नहीं है घर में, और कोई है नहीं जिससे मैं कटवा लूंगी, तो होली अष्टमी के दिन ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो जब मसाला हमारा हाफ वे डन हो जाए तब हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देंगे सिर्फ मसाले के हिसाब का, और साथ ही चना मसाला इसके अंदर डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। हर चीज की एक फिक्स टाइमिंग होती है कि आपको कौन सा मसाला किस टाइम पर डालना है, उसी से उस रेसिपी का टेस्ट जो है वो डिफरेंट आता है और अच्छा आता है। और जब मसाला बिल्कुल ड्राई हो जाए, भुन जाए, तब आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। मैंने ब्लेंडर जार को ही रिंस करके डाल दिया था, और जब इसमें बॉयल आ जाए फिर आप प्रेशर कुकर में इसको मसाले को ऐड कर दें। नाउ अब आप देख लें इसमें कि आपको कितना पानी डालना है कितना नहीं। छोले भटूरे के जो छोले होते हैं वो थोड़े से थिक ही होते हैं, तो मैं इसमें बहुत ज्यादा पानी ऐड नहीं कर रही हूँ, लाइक जितना है उतना सफिशियंट है। मसाले को मिक्स कर देंगे और इसके बाद इसको मैं बस एक मिनट का प्रेशर दूंगी ताकि जितने भी मसाले का फ्लेवर है वो छोले के अंदर भी चला जाए। और आपको बस एक सीटी लगवा लेनी है इसमें, मेरे प्रेशर कुकर में सीटी नहीं आती है, इसमें प्रेशर का बस टाइमिंग के अकॉर्डिंग ध्यान रखना पड़ता है। तो छोले बन चुके हैं और आटा बन चुका है, हलवा बन चुका है, और होली अष्टमी का जो फास्ट होता है वो तारा देख के खोला जाता है, लेकिन मेरे ससुराल में जो है बस दिन छिपने के टाइम पर अपना फास्ट खोल लेते हैं जल देकर। तो मेरे मायके में बल्कि तारा देख के फास्ट खोला जाता है, बट आई फॉलो माई ससुराल, तो वहाँ पे तो दिन छिप जैसे ही दिन छिपता है तो तब आप फास्ट खोल सकते हैं। हालांकि काफ़ी लेट हो गया था, यहाँ पर तो अंधेरा जल्दी हो जाता है, बट अराउंड 7:30 बज रहे होंगे। तो सबसे पहले जो है वो आसमान की तरफ देखते हुए, हालांकि उस दिन बादल हो रहे थे, तारा वारा कुछ देखा ही नहीं, तो ऐसे ही बस मैंने अर्धे दे दी थी पानी की। और इसके बाद थोड़ी सी पूजा है, इतनी ज़्यादा पूजा एक्चुअली होती नहीं है, बट बच्चों की जो डिमांड होती है, बच्चों की जो इच्छाएं होती हैं वो पूरी करनी होती हैं। तो मेनली तो सिर्फ ये है कि दिया रखा जाता है और जल से अर्ध दी जाती है, बट अद्वी ने करवा चौथ देखा है एंड शी इज़ लाइक कि मम्मा मेरी भी ऐसी पूजा करो जैसे पापा की करी थी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर वही कर रही हूँ। और आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि दीपिका आप वो वाला पार्ट जो है वो इंक्लूड नहीं करते हो, तो मुझे लगा कि चलिए आज मैं अद्वी की करूँगी, तो मैं थोड़ा सा इंक्लूड कर देती हूँ। हालांकि बाहर लाइटिंग वगैरह इतनी अच्छी नहीं है, थोड़े से स्टेप्स अलग हैं, बट आई ट्राइड। तो पूजा हमारी हो गई है और बस अब यहाँ पर भटूरे बनाने रह गए हैं, तो मैं भटूरे बना रही हूँ। और एक तो सुबह से थोड़ा सा हल्का हल्का सर में दर्द था क्योंकि वही पानी नहीं पिया जाता है, कुछ खाया पिया नहीं जाता है, पहले दिन रात को ही जो खाया था, और पहले दिन हमने डिनर भी अराउंड 7 बजे के करीब कर लिया था, तो वही 24-26 घंटे हो जाते हैं। और जब ये ऑयल का काम होता है ना तो वो ऑयल और चढ़ता है, तो बहुत अवॉइड करती हूँ वैसे मैं। आजकल हम फ्राइड वगैरह कुछ भी नहीं बनाते हैं इतना ज़्यादा, लेकिन होली अष्टमी के दिन जो है वो पक्का खाना बनता है, तो इसीलिए ये बनाना होता है। एक बार इन्होंने कहा भी कि दीपिका 2-3 पराठे जो हैं वो बना लो शगुन के नाम के, और बाकी जो है वो फिर इनकी नान बना लेना, बट आई वॉज लाइक कि नहीं, जब छोले बनाए हैं तो कितनी देर लगेगी। लेकिन वो धुआं चढ़ चढ़ के ना सर में अजीब सा हो गया था। तो भटूरे मैंने पहले भी शेयर करे, नॉर्मली आपको पूरी की तरह बेलने हैं, आपका जो ऑयल है वो अच्छे से हॉट होना चाहिए, काफी ज्यादा होना चाहिए, तभी आपके भटूरे जो वो अच्छे बनते हैं और रंग अच्छा आता है। तो बस एक एक भटूरा करके यहाँ पे मैं सेकती जाऊंगी और हमारी जो आज की थाली है वो तैयार हो जाएगी। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बस एक बार जो है वो ऑयल आपका अच्छे से गर्म हो जाए फिर तो फटाफट भटूरे उतरते चले जाते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। सीरियसली काफ़ी टाइम हो गया था, पता नहीं कब बनाए थे हमने छोले भटूरे। तो ये है हमारी आज की थाली जिसमें है
छोले ब्लैक वाले जो बड़े अच्छे लगते हैं, साथ में है यहाँ पे भटूरे और मिर्ची का अचार। इसके साथ जो है वो बारीक कटी हुई प्याज भी अच्छी लगती है और आम का खट्टे वाला अचार भी अच्छा लगता है, बट नहीं था क्योंकि नाइफ यूज़ नहीं कर सकते थे। एंड नाउ इट इज़ नेक्स्ट डे और मैं बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि रात फिर टाइम से ही सो गए थे काम निपटा के, दवाई दवुई लेके, और सुबह ये कपड़े इतने सारे थे ना द्वी के रूम में, अब ये आम चेयर इधर आ गई है तो अब कपड़े यहाँ पर रखे जाते हैं, बट सही है कि बेडरूम में फिर दिखाई नहीं देते हैं इतने ज़्यादा, तो अब मैं वही जब तक ये लोग उठे अपना मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और फोल्ड करके साथ साथ ही फिर मैं लगाती जा रही हूँ, तो काम थोड़ा सा इजी हो जाता है। और लगभग 3 लॉर्ड होंगे यहाँ पे, तो आजकल जो है वो वॉशिंग मशीन का भी बिल्कुल पागल बना हुआ है और हमारा भी पूरे घर की रिनोवेशन नॉट लाइक मेक ओवर में, यहाँ से पर्दे, वहाँ से बेडशीट, यहाँ से कवर, वहाँ से कवर, और बस हम उतारते जाते हैं, चेंज करते जाते हैं और मशीन जो है वो धो धो के बेचारी हलकान हुए जा रही है, क्या बताएं। तो यहाँ पे सारे कपड़े जो है वो मैंने फोल्ड कर दिए हैं। इसके बाद हमने किया था अपने लिविंग रूम और डाइनिंग रूम का मेकओवर, जो आपको आगे आने वाली वीडियो में दिखेगा, और पूरे थक गए थे। नाउ इट इज़ इवनिंग और कल रात से जो है वो लहंगा ऐसे ही था, मैंने इसको स्टीम कर दिया था एक बार, क्योंकि खाना वाना बनाते हैं तो थोड़ी बहुत वेपर अंदर स्मेल सी रह जाती है, हालांकि थी नहीं लेकिन फिर भी मैं एक बार स्टीम आयन करके और इसको रेडिएटर पे डाल देती हूँ तो बिल्कुल फ्रेशन अप हो जाता है। और फैब्रिक स्प्रे करके मैं अपने सारे कपड़े इस तरह से रखती हूँ तो नए के नए रहते हैं बिल्कुल, और ऐसा नहीं क्योंकि इस तरह की चीज़ें आप डेली तो वॉश कर नहीं सकते कि आपने 2 घंटे के लिए पहना और आप वॉश करके रखो, बट मैं स्टीम आयरन और इनके ऊपर फैब्रिक स्प्रे करके और इनको ड्राई करके अच्छे से रख देती हूँ। तो ये मैंने फोल्ड कर दिए हैं, फिलहाल नीचे ही रख रही हूँ, देन विल गो अपस्टेयर्स और जहाँ पे मैं अपने सारे इंडियन वेयर रखती हूँ वहाँ पे मैं इनको रख दूंगी। हाय एवरीवन, और कल से बिल्कुल भी बात हो ही नहीं पाई, रात ही मुझे एंड करना था इस ब्लॉग को, लेकिन कल ना दिक्कत ये हो रही थी कि सुबह से ही हल्का हल्का सा सर में दर्द था और फास्ट बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे कि करवा चौथ का, तो कुछ भी खाना पीना नहीं था, तो शाम को बस फिर खाना खा के और फिर मैंने दवाई ली और फिर बस टाइम से सो ही गए थे। फिर मैं कहा चलो सुबह ब्लॉग को एंड कर दूँगी, लेकिन सुबह से लेके अब तक भी फुर्सत नहीं हुई। आज हम लोग अपना पूरा डाइनिंग एरिया और लिविंग रूम जो है वो सारा अच्छे से हमने क्लीन किया, एंड आई एम सॉरी आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ सकती है, अद्वी जो है नीचे टीवी देख रही है और कुछ खा रही है तो शायद कटलरी की आवाज़ आए। तो सुबह से भी टाइम नहीं मिला, बहुत थकान हो रही है, 6:30 बज रहे हैं, अब जाके मैंने शावर लिया है, थकान हो रही है बहुत ज़्यादा। यू नो, जब भी फर्नीचर का कुछ फिक्सिंग का काम होता है ना यू नो, तो ऐसा नहीं कि एक जन लग के कर ले, हम दोनों को लगना पड़ता है। मैं इंस्ट्रक्शन देखती रहती हूँ, उनको बताती रहती हूँ, ये करते रहते हैं तो थोड़ा सा जल्दी भी हो जाता है और एक बंदा फिर ओवरलोडेड भी नहीं होता है, तो हम दोनों को लगना पड़ता है। तो सुबह से ये टाइम आ गया था, मैं तो आज जल्दी उठ गई थी एक्चुअली क्योंकि टाइम से सो गए थे, लेकिन ये लोग लेट उठे। आज अदवी भी स्कूल नहीं गई थी, उसको नहीं जाना था, तो लाइक कुछ था स्कूल में तो आज उसको नहीं जाना था, तो ये लोग तो लेट उठे, फिर लेट उठे तो वो काम लेट शुरू हुआ, मुझे ये था कि जल्दी हो जाता। खैर निपटा, आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी, थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा बहुत लाइक दिवाली की कुछ डेकोरेशन पुट अप करनी है, बाकी जो क्लीनिंग था, जो चीज़ असेंबल करनी थी वो सब कुछ हो गया है। और ऐसी गई मेरी होई अष्टमी, आप लोगों की कैसी गई ज़रूर बताना, मैंने इंस्टाग्राम पे कम्युनिटी पे डाल दी थी पिक्चर, आप लोगों को विश कर दिया था, होप आप लोगों ने देखी होगी। तो आजकल बड़े बिजी दिन जा रहे हैं और मेरे बेडरूम का मेकओवर आप सबको बहुत बहुत पसंद आया, लाइक 95% आई गॉट लाइक द पिका, वी लव्ड इट। थोड़े से कमेंट थे इधर उधर, बट देवर लाइक सजेस्टिंग समथिंग कि ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते, ऐसे नहीं। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या सजेशन था कि मिरर जो है वो बेड के सामने नहीं होना चाहिए। तो मैंने जब पहले भी मेकओवर किया था ना तो मैंने ये चीज़ मेंशन की थी उसमें भी, तो मुझे इस बार लाइक वो दिमाग से निकल गया कि मैं फिर से वही चीज़ रिपीट करूँ बताऊँ, बट शायद करनी चाहिए थी क्योंकि बहुत सारे लोग नए देखते हैं। तो हम जब भी सोते हैं तो मिरर के ऊपर हम कपड़ा डाल देते हैं,
वास्तु की मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन हमारी दादी बोलती थी कि रात को कई बार ऐसा होता है ना कि आप एकदम से नींद से उठे और कई बार ना आप अपना ही रिफ्लेक्शन मिरर में देख के डर जाते हो, या बच्चा होता है ना जैसे छोटा, तो वो कई बार बच्चों की नींद ऐसी होती है रात को कई बार उठ जाते हैं, तो बच्चे अपने आप को देख अपना ही अक्स देख के डर जाते हैं। इवन दो दिन में भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि शीशे में देख के डरते हैं, तो वो पर्पज़ से मैं लाइक काइंड ऑफ साइंटिफिकल एक रीज़न है, तो उस वजह से हम हमेशा मिरर के ऊपर डालते हैं। वास्तु का आई एम नॉट दैट मच इन टू दोज थिंग्स, बट हाँ हम मिरर के ऊपर डाल देते हैं। दूसरा, ये वाला जो पर्दा है ना, इसके ऊपर कुछ लोगों ने कहा कि ये भी चेंज कर देते। आई रियली वॉन्टेड टू चेंज इट, लेकिन मैचिंग मिल ही नहीं रहा था। एक तो इधर का ना ये साइज़ बहुत छोटा है, तो जो भी कर्टेन मैचिंग मिल रहे थे फिर वो बहुत बड़े मिल रहे थे। अब वो प्राइस भी इतना ज़्यादा, मुझे यूज़ भी नहीं करना था, फिर वो कटिंग करो तो दैट्स टू मच हैसल। तो जब भी मुझे यहाँ का मैचिंग पर्दा कोई छोटे साइज का, कई बार होता है ना कि विंडो का कर्टेन मिल जाता है, हालांकि यहाँ पे एक ही कर्टेन का है, तो ये लैंडलॉर्ड ने ही लगा के दिया हुआ था, तो वही लगा हुआ है यहाँ पे, इसी को वॉश करके मैं लगा देती हूँ। बट अगर कभी भी मुझे मैचिंग मिला ना, तो ऑफकोर्स मैं इस वाले को चेंज कर दूंगी। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू चेंज इट, बट अभी ऑप्शन नहीं था मेरे पास, तो क्या करती मैं, तो फिर मैंने यही लगा रहने दिया। और एनी हाउ वो छिपा रहता है, वो दिखता भी नहीं है, वो छिपा रहता है। बाकी सबको सबको अच्छा लगा इस वाली वॉल के लिए, लाइक दिस इज़ माई फेवरेट वन। बट कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ से आप इसको हटा दो, ये अच्छी नहीं लग रही है। कुछ लोगों को, लाइक 95% लोगों को बहुत अच्छी लगी है, कुछ लोगों का था कि वो अच्छी नहीं लग रही है, रूम बहुत क्राउडेड लग रहा है। तो नो, 2.5 साल से ये चैनल भी है, और जब से हम आए हैं, लाइक इस रूम के इस चेंज होने से पहले भी देखा होगा कि ऑलमोस्ट रूम खाली ही था, दीवारों पर कुछ ज़्यादा नहीं था, 2-3 पिक्चर्स लगी हुई थी, दैट्स इट, एक घड़ी लगी हुई थी, तो वो सारा खाली खाली ही था रूम। मैं ये बंद करूँ से ना रिफ्लेक्शन आ रहा है, नाउ इट्स बेटर, अब क्लियर आया ना, मैंने ध्यान ही नहीं दिया इतनी देर से। ओके सॉरी अबाउट दैट, बातों में मैं ध्यान ही नहीं रहा। ओके, तो रूम जो है वो पूरा खाली खाली ही था। अब फॉर ए चेंज, अगर खाली को मैं फिर भी खाली रहने देती तो वो शायद कोई चेंज ना होता, तो इसीलिए रूम को इस बार दीवारें मैंने अच्छे से सजा दी। नेक्स्ट टाइम मेकओवर करूँगी, फिर चीज़ें उतार दूंगी, तो जस्ट फॉर अ चेंज। हम 5 साल से इस घर में हैं तो ऐसे ही था, सब कुछ खाली खाली सा, इस बार थोड़ा सा भर दिया, तो आई थिंक अच्छा लगना चाहिए। और ये वाली वॉल मुझे सच में बहुत अच्छी लगी। कुछ लोगों ने कहा बेड के ऊपर जो है वो आप एटलीस्ट अपनी फैमिली की एक फ़ोटो लगा लो या कुछ भी। सो यू नो आई ऑलवेज अवॉइड पुटिंग हैवी थिंग्स ओवर हेड, तो क्योंकि इससे पहले यहाँ पे एक कोलेज लगा हुआ था हस्बैंड के फोटोज़ का ना, तो वो प्लास्टिक फ्रेम था, जैसे ना आप हैवी लेमिनेशन करा लो और फिर किनारों से उसकी प्लास्टिक की बाइंडिंग थी, तो वो बहुत हल्का था, लाइक कागज के ही टाइप का था बिल्कुल, तो वो हमने यहाँ लगाया हुआ था। लेकिन अब अगर फैमिली फ़ोटो हम एनलार्ज करा के कुछ बड़ा करके लगवाएं तो सारी चीज़ हैवी होगी, एंड यू नेवर नो ना कि कभी कोई कील जो है वो ढीली हो गई, आप सो रहे हो ऊपर से कोई हैवी चीज़, कांच की चीज़ आपके ऊपर गिर गई, तो हेड इंजरी हो जाती है। तो इसीलिए मैं हमेशा सरहाने के ऊपर कुछ भी हैवी चीज़ लगाना, यहाँ तक कि मैं घड़ी भी नहीं लगाती हूँ इधर की तरफ ना, तो मैं अवॉइड करती हूँ कि सरहाने के ऊपर कुछ भी हैवी ना हो। कई बार बच्चे जो है ना वो बेड के ऊपर, अब तो खैर कोई नहीं आता, बच्चे इतना जंप करते हैं, बच्चों का हाथ वाथ ऐसे लग गया, लग गई चोट, तो सिरहाने के ऊपर हल्की फुल्का ही मैं रखती हूँ, तो ये मेरा अपना रीज़न है। बाकी बहुत सारे लोग बेड के ऊपर बहुत अच्छे से डेकोरेशन करते हैं, फोटोज़ लगाते हैं, कुछ और डेकोरेशंस पुट करते हैं, बट आई डोंट प्रेफर दैट, मैं बहुत कुछ अलग ही सोच के चलती हूँ, रात को सोते हुए चोट लग जाए यार। तो ये था थोड़ा सा फीडबैक बेडरूम का। बाकी आई एम सो ओवरवेल्म, इतना प्यार मिला ना, इतना प्यार मिला कि बस मैं क्या बताऊँ। बहुत मेहनत लगी इस पूरे रूम को करने में, और उसके बाद जो आउटकम था, वी वर सो हैप्पी, और उसके बाद जैसे आप लोगों ने प्यार दिया उसके बाद तो और भी ज़्यादा खुशी हो रही है। तो बस फटाफट पूरा घर, कल जो है ऑलमोस्ट सब कुछ हो जाएगा, सो दिवाली से पहले ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल बी डन, थैंक गॉड। उसके बाद थोड़ा जो है वो धनतेरस की एक शॉपिंग करनी, इंडियन शॉप हमें जाना है, तो एक बस वो काम रह गया है बड़ा, और बस उसके बाद फिर दिवाली तक होपफुली शांति, कोई ऐसा बड़ा काम नहीं होगा, तो 3 दिन रह जाएंगे, तसल्ली से बीतेंगे, त्यौहार सेलिब्रेट हो जाएगा। अभी तो पैरों में ना ऐसे हो रही है, जस 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 जस,
इतनी थकान हो रही है, तो अभी मैं जा रही हूँ। बार बार मेरी ना नज़र उधर जाती है, पहले घड़ी इधर थी ना, अब यहाँ पे हो गया है, तो अभी मेरी निगाह उधर गई थी। तो टाइम हो रहा है, मैं चल के चाय बनाती हूँ। बहुत लाइक बहुत लेट हो गया है, बट बिना चाय के काम नहीं चलेगा। चाय पीते हैं, थोड़ी सी थकान उतारते हैं। दोपहर की सब्जी रखी हुई है, तो बस फुलके उतारने हैं, तो खाने का काम उससे चल जाएगा। तो दैट्स इट। चलिए, बहुत देर होगी मुझे बात करते करते, बट मुझे ये था कि बेडरूम का थोड़ा सा बता दूँ आप लोगों को, क्योंकि कमेंट्स के रिप्लाई नहीं हो पा रहे हैं। आई एम रियली सॉरी, नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि सच में बहुत काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा। ये भी आ गए शावर लेके। चलिए जी, मिलते हैं बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बताते रहना मेक ओवर कैसा लग रहा है। किचन वाला भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, किचन की वीडियो आज ही गई है, तो वो वाली भी आप लोगों को बहुत पसंद आई। आई होप के डाइनिंग एरिया और लिविंग एरिया का भी आपको पसंद आएगा। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।